हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स हैदराबाद। अभी अपने पास है एक सैमसंग का मोबाइल है, ये 127 मॉडल का है। इसके अंदर जो है जो लाइटिंग का इशू है, ग्राफिक तो इसके अंदर ओके है मगर इसके अंदर लाइट का प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर 24 लैक्स का एसी एक बैठा हुआ है और इसके अंदर ग्राफिक और लाइटिंग एक ही एसी के अंदर दिया हुआ है। तो चेक करेंगे इसका कैसा ट्रेस करना, कैसा चेक करना। पहले तो यहाँ ऑन करके मैं बता देता हूँ इसका। यहाँ देख सकते हैं इसका ग्राफिक तो आ गया सैमसंग गैलेक्सी करके, और अभी देखो इसका लाइटिंग नहीं आ रहा। जो इसका यहाँ दिख रहा है ये लाइटिंग के नीचे यहाँ, तो इसका ग्राफिक तो ओके मगर लाइटिंग नहीं चल रहा। तो लाइटिंग के लिए क्या क्या लाइन चेक करना, और साथ ही साथ जो है इस आईसी का पूरा डाटा कैसा चेक करना, एक एक लाइन कैसा चेक करना, सारा चीज़ बताऊँगा अभी मैं। फर्स्ट देखेंगे अपन, इसका सारा चीज़ हटा लेता हूँ और यहाँ देखेंगे इसका कनेक्टर के ऊपर का। फर्स्ट यहाँ ओपन कर लेंगे इसका यहाँ ले लेंगे, सैमसंग का मॉडल है तो ओपन करेंगे इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन और यहाँ देंगे सैमसंग का। और इसका स्कीमेटिक डायग्राम तो अवेलेबल नहीं है, ये 125 से ले लेंगे या ये 127 से ले लेंगे, 127 और LCD लाइट। तो यहाँ कनेक्टर के पास देखेंगे इसका, कनेक्टर के पास अपने को चार लाइन मिल रहा है, एक PWM का लाइन मिल रहा है, एक K2 का लाइन मिल रहा है, एक K1 का लाइन मिल रहा है और एक एनोड का लाइन मिल रहा है। तो पहले ये चीज़ चेक कर लेंगे इस सारे लाइनों के ऊपर GR वैल्यू ओके या नहीं है, कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे। यहाँ पिन नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पर आ रहा है अपने को जो PWM की कनेक्शन। तो पहले चेक कर लेंगे 9 नंबर पर PWM का कनेक्शन आ रहा या नहीं आ रहा। तो पहले ये देखेंगे यहाँ, नौ नंबर पे चेक कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे देखेंगे 730 का GR अपने यहाँ मिल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट K2 का लाइन चेक करेंगे यहाँ, यहाँ से लेके जो बड़ा वाला मार्क है उसके बगल वाला लाइन चेक कर सकते हैं, सीधा K1 का लाइन है और ये वाला लाइन जो है K1 का लाइन है। यहाँ भी अपने को 607 का GR मिल रहा है और इसका बगल वाला लाइन जो है एनोड का लाइन है, यहाँ 210 का GR अपने को मिल रहा है। और इसका ठीक अपोजिट वाला लाइन जो है ये K2 का लाइन है, इसके अंदर भी अपने को 607 का GR मिल रहा है। मतलब ये सारा लाइन का GR वैल्यू तो ओके है। और जैसा चेक करेंगे बैटरी कनेक्ट करेंगे और बैटरी की कनेक्शन दे देंगे, यहाँ बैटरी कनेक्शन देके चेक कर लेंगे वोल्टेज एनोड की लाइन के ऊपर 4 वोल्ट जो बैटरी का वोल्टेज मिल रहा या नहीं मिल रहा। तो यहाँ से चेक करेंगे इसका, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ से लेके कनेक्टिविटी जो है इसका उठा वाला कनेक्शन का बगल वाला ठीक है, ये वाला कनेक्शन है। तो यहाँ चेक करेंगे 3.56 का जो बैटरी का वोल्टेज है वो तो अपने को यहाँ प्रॉपरली मिल रहा है। और उसके बाद फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे इसके अंदर बूस्ट वोल्टेज बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो यहाँ चेक करेंगे वोल्टेज जो है अपने को यहाँ 9 वोल्टेज, फोन ऑन हो गया अभी, वोल्टेज जो बन रहा है 9 वोल्टेज बन रहा है। तो इसके अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली एक 20 वोल्टेज के ऊपर बन रहा है, मतलब बूट वोल्टेज जो है अपने को कम बना रहा है इधर। तो चेक करेंगे यहाँ इसका IC की तरफ जाके देखेंगे इसका सारा कनेक्शन, लिफ्ट कर लेता हूँ मैं और चेक करेंगे इसका IC की तरफ।
तो यहाँ देखेंगे आईसी ऑलरेडी इसके ऊपर देखेंगे तो सारा चीज़ जो है यहाँ ऑलरेडी कोई आईसी को आईसी के ऊपर वर्क करे। और यह एक लोड कैप जो है, यहाँ लोड कैप भी मिस है और यहाँ डायोड वायोड भी चेंज हुआ सर का दिख रहा है। तो यहाँ लो वोल्टेज जो बना रहा है, जो दुकानदार का कहना ये है ऑलरेडी जो है ये माइनर वर्क सारा कर लिया, मतलब ये डायोड और कॉइल ये सारा चीज़ चेंज करके सब चीज़ करके ये देख लिया। तो देखेंगे अपन इसका आईसी जो है, आईसी का जो है इनपुट, सारा इनपुट चेक कर लेंगे, इनपुट के अंदर सारा चीज़ ओके है क्या देख लेंगे। पहले इसका आईसी को रिमूव कर लेंगे, आउट कर लेंगे बोर्ड से। तो जैसा यहाँ ओपन होने के बाद ये तो पता चल रहा है आईसी के ऊपर भी ऑलरेडी यहाँ वर्क हो चुका है। तो ये देखेंगे इसका सारा पिन जो है क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे जैसा इसी को रिमूव कर लिए, तो यहाँ सारा लाइनों के ऊपर चेक करेंगे ताकि डायग्राम मैं ओपन कर देता हूँ। इसका तो स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ अपन यहाँ से इसका जो है आईसी का कोड के हिसाब से अपन ले सकते हैं। ये वाला आईसी रेडमी नोट 8 प्रो में भी मिल जाएगा आपको। तो स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करेंगे यहाँ, तो यहाँ देखेंगे रेडमी का नोट 8 प्रो का मॉडल, यहाँ लेआउट ओपन कर दिया अपन और यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर लेंगे। तो जैसा लेआउट ओपन कर दिया इसका, जो कनेक्टर के पास जाके चेक कर लेंगे। तो डिस्प्ले कनेक्टर जो है सारा ओपन कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका जो है कनेक्शन इसके अंदर कहाँ रहा है। अपने को सिंक 1 सिंक 2 का कनेक्शन यहाँ दिख रहा है, एनडी का लाइन दिख रहा है, ये पीडब्ल्यूएम का लाइन, इसको ज़रा नेक्स्ट करें तो अपने को आईसी कहाँ पे है इसका दिख जाता है अपने को। तो यहाँ आईसी का ये वाला 24 लेग का आईसी अपने को यहाँ ओपन हो गया। तो यहाँ देखेंगे इसका A1 की कनेक्टिविटी देखेंगे, ए आउटपुट A1 जो है अपना आउटपुट लाइन है। तो अभी तो अपने को ग्राफिक तो इसके अंदर ओके है, ताकि एक ग्राफिक के लिए कुछ चेक करने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और फिर भी आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं सारा चीज़ जो है, सारा एक एक लाइन कैसा चेक करना। तो इसका नोस्कट पॉइंट जो है यहाँ
इसका नोस्कर पॉइंट जो है यहाँ है, तो ये हो गया अपने को ए वन वाला पिन। जब आईसी इसके अंदर, जब आईसी इसके अंदर लगा हुआ नहीं तो ये आउटपुट का लाइन है, तो यहाँ कोई जीआर वैल्यू अपने को नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ए टू वाला पिन। ए टू वाला पिन के अंदर सी माइनस सी प्लस लगा हुआ है, एक बीच में जो है कैप कनेक्टेड है, तो ए टू वाला पॉइंट जो है यहाँ कनेक्टेड है और बीच में जो है एक कैप कनेक्टेड है, और एक कैप की कनेक्शन जो है ए फोर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ ए फोर के साथ ये वाला कैप दो तरफ भी कनेक्टेड है। और इसका जो ए थ्री वाला पिन जो है ये कॉमनली क्या है, ये ग्राउंड है। तो उसके बाद अपने को देखेंगे बी वन वाला पिन पे, देखेंगे यहाँ कितना आ रहा है, 384 जीआर मिल रहा है। तो बी वन वाला जो कनेक्शन है अपने को आईएन इनपुट का नाम से दिखा रहा है, तो यहाँ देखेंगे इसके आगे जाके, आगे देखेंगे ये अपने को वी एस वाई एस वी पी एच का कनेक्शन है। तो यहाँ भी अपने को 4 वोल्ट का सप्लाई आना है, अपने को बी वन के पिन के ऊपर। यहाँ जी आर अपने को मिल रहा है, तो ये वाला लाइन भी अपने को ओके है। उसके बाद बी टू, बी टू के ऊपर ये तो एन सी होगा, बी थ्री देखेंगे ये भी एन सी है, और यहाँ देखेंगे बी टू बी थ्री। तो यहाँ तो दिया हुआ है एल सी एम ई एन बयास, जो एल सी एम का बयास ई एन वन ई एन टू इसके अंदर यूज़ करा हुआ है, मगर इस सर्क्यूट के अंदर ये वाला चीज़ यूज़ करा नहीं। तो ये भी अपने को लाइन ओके, ये दो पॉइंट जो है इसके अंदर नोडेड प्रो में यूज़ करा हुआ है मगर इसके अंदर यूज़ करा हुआ नहीं है। उसके बाद बी फोर का देखेंगे, यहाँ अपने को बी फोर पे ओ एल आई ताकि एक कैप कनेक्टेड है। बी फोर का लाइन देखेंगे क्या चीज़ है, यहाँ बी फोर का लाइन के अंदर यहाँ देखेंगे बी फोर की लाइन देखेंगे, इसके साथ एक कैप कनेक्टेड ग्राउंड कर दिया हुआ है, ठीक है। ये भी अपने को ओके है, ओ एल आई मिल रहा है, प्रॉपर है। अगर यहाँ आउटपुट के अंदर कोई भी अगर आपको जीआर मिल रहा है, मतलब समझ जाना यहाँ कोई लाइन लीकेज हो रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और सी वन और सी टू का देखेंगे। सी वन के ऊपर जाएंगे तो चेक करेंगे, सी वन के ऊपर ओ एल है और सी टू के ऊपर जीआर है, सी थ्री के ऊपर जीआर है, ठीक है, और सी टू के ऊपर जीआर है, सी थ्री के ऊपर जीआर है, और सी वन वाला लाइन कौन सा है पहले ये देख लेंगे सी वन वाला लाइन को। तो यहाँ देखेंगे सी वन वाला जो है जो अपना कैथोड की कनेक्शन है, यहाँ तो जब आईसी लगेगा तो यहाँ जीआर आपको मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे क्लॉक डाटा का लाइन जो है अपने को सी टू सी थ्री पे आ रहा है, यहाँ अपने को जीआर वैल्यू मिल रहा है, अपने को ये चीज़ ओके है। और सी फोर वाला एक बार देख लेंगे, सी फोर वाला कनेक्शन कहाँ है, तो ऊपर से लेके यहाँ है सी फोर वाला कनेक्शन जो है, यह एक कैप के साथ ग्राउंड हो रहा है एल सी एम आउट वाला, तो ये एक कैप के साथ कनेक्टेड है, ये भी लाइन अपने को कैप के साथ कनेक्टेड है, ये भी अपने को ओके। यहाँ जो दिख रहा है अपने को ये वाला कैप के साथ कनेक्टेड है, ये भी जो है ओके अपने को, यहाँ भी ओ एल आ रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद डी वन के ऊपर देखेंगे, ऐसा डी वन के ऊपर देखेंगे, डी वन के ऊपर अपने को यहाँ कोई जी आर वैल्यू नहीं मिल रहा है। और D2 के ऊपर देखेंगे आपने, D2 के ऊपर भी आपने कोई जी आर वैल्यू नहीं मिल रहा है। और D3 के ऊपर देखेंगे 427 मिल रहा है, और D4 के ऊपर देखेंगे यहाँ 386 मिल रहा है। और D1 पहले जो है अपने को ओ एल आ रहा था, D1 का लाइन देखेंगे क्या चीज़ का लाइन है, और यहाँ देखेंगे D1 का लाइन जो है ये भी अपने को कैथोड का ही लाइन है, तो ये भी कोई ज़रूरत नहीं, ये भी आने का कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। और यहाँ नेक्स्ट देखेंगे जब आईसी बैठेगा तो ये भी आएगा। और डी टू का लाइन जो है अपने को पीडब्ल्यूएम का कनेक्टिविटी है, यहाँ ओएल आ रहा है अपने को, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको, अगर यहाँ ओएल आ रहा है मतलब डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद, जैसा डिस्प्ले आप कनेक्ट करते हैं, यहाँ भी मैं यहाँ डिस्प्ले कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसा यहाँ डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया, डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद डी टू के ऊपर अपने को यहाँ जी आर मिलना चाहिए। डी टू के ऊपर जैसा डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया, अभी चेक करेंगे डी टू के ऊपर, यहाँ अपने को यहाँ जी आर आ गया, मतलब डिस्प्ले से कनेक्टिविटी ये ओके है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डी थ्री, तो अपने को एनेबल का लाइन है, और डी फोर का चेक करेंगे, यहाँ डी फोर का चेक करेंगे, डी फोर D4 का लाइन,
तो स्विचिंग वाला लाइन है, यहाँ भी अपने को D4 के ऊपर अपने को GR मिल रहा है अपने को। एक बार D4 के ऊपर भी चेक करेंगे तो यहाँ भी अपने को GR वैल्यू मिल रहा है। ये भी लाइन अपना ओके। अभी मैं इसका डिस्प्ले कनेक्शन हटा लेता हूँ। तो अभी उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे E1 के ऊपर चेक करेंगे, यहाँ तो कोई वैल्यू E1 पे नहीं है, कोई GR नहीं है। E1 भी अपने को क्या है, ये कैथोड का कनेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे सारा चीज़ जो है ये E2 E3 E4 जो है ये तीनों भी एक ग्राउंड है। और उसके बाद F1 के ऊपर जाएंगे, F1 तो OL है और F2 जो है ये जो लोड कैप के साथ कनेक्टेड है, ये वाला लोड कैप के साथ कनेक्टेड है ये वाला, यहाँ GR मिल रहा है अपने को 536। और उसके बाद ये भी अपना जो है ये डायोड के साथ कनेक्टेड है, यहाँ भी अपने को 4 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा, यहाँ भी अपने को 4 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा और यहाँ भी 4 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा। तो चेक करेंगे इसके अंदर सारा कूल टेस्टिंग के अंदर GR तो ओके, इनपुट लाइन जितने भी इनपुट लाइन है सभी लाइनों के ऊपर अपने को GR वैल्यू मिल रहा है। और चेक करेंगे अभी फ़ोन को ऑन करके इसका सारा वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। तो अपने को इम्पोर्टेंट जो है लाइटिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अपने को एक हार्डवेयर एनेबल का पॉइंट इम्पोर्टेंट है और PWM की वोल्टेज IC को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, PWM के ऊपर वोल्टेज इम्पोर्टेंट है अपने को, वो चीज़ चेक कर लेना। और जो IC को मिलने वाले VPH की सारा वोल्टेजेस और क्लॉक डाटा जो है अपने को C2 C3 पे अपने को जो है क्लॉक डाटा का लाइन मिल रहा है, वहाँ भी अपने को 1.8 की वोल्टेज आना है। तो चेक कर लेंगे, पावर की को ऑन कर देता हूँ मैं फ़ोन को और उसके बाद इसको पीछे करेंगे, यहाँ चेक कर लेंगे ज़रा, वोल्टेज मोड के अंदर डालेंगे, सॉरी कनेक्शन उड़ गया, फिर से लगाएंगे। जैसा ये ऑन कर दिया अपन, ऑन करने के बाद जो चेक करना है अपने को जो D3 के ऊपर चेक कर लेना है अपने को हार्डवेयर इनेबल का पॉइंट जो है D3 के ऊपर चेक कर लेना और C2 और C3 के ऊपर चेक कर लेना। यहाँ चेक करेंगे C2 के ऊपर और C3 के ऊपर, तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है, मतलब फ़ोन प्रॉपरली ऑन नहीं हुआ। अभी एक बार मैं निकाल के प्रॉपरली ऑन कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से मैं चार्जर कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ उल्टा कर देंगे और यहाँ चेक कर लेंगे अपन, यहाँ अपने को मिलना चाहिए अपने को जो इनपुट लाइनों पे वोल्टेज मिल रहा है, बाकी के उस पर कुछ भी नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ C2 और C3 पे मिल रहा है अपने को 1.8 की वोल्टेज, यहाँ मिल रहा है अपने को। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्लॉक डाटा पे अपने को वोल्टेज 1.8 की वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ भी अपने को VPH की वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी अपने को मिल रहा है 3.8, यहाँ भी मिल रहा है 3.8 और यहाँ भी मिल रहा है अपने को 3.8, यहाँ सारा चीज़ पे अपने को वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ देखेंगे अपने को D2 के ऊपर चेक करेंगे PWM की वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है अपने को 0.77 0.80 अप्रॉक्सीमेटली वोल्टेज PWM का भी वोल्टेज मिल रहा है। सारा इनपुट जितने भी इनपुट चाहिए अपने को सारा इनपुट का वोल्टेज सभी चीज़ अपने को मिल रहा है। और यहाँ भी देखेंगे LCM का वायस का, यहाँ भी अपने को यहाँ ये वाला कैप पे भी 1.20 वोल्टेज यहाँ भी अपने को मिल रहा है ये। और सारा वोल्टेज सभी के ऊपर सारा वोल्टेज मिल रहा है, IC का इनपुट सारा ओके है। तो अभी देखेंगे IC को चेंज करके तो एक एक डॉट का जो है वोल्टेजेस कैसा चेक करना सारा चीज़। अगर आपके पास या ग्राफिक का प्रॉब्लम आया इस मॉडल का या लाइटिंग का प्रॉब्लम आया या AC जितने भी मॉडल्स के अंदर लगा हुआ है तो सारा मॉडल के अंदर आप यही टाइप का सारा चेकिंग
कर सकते हैं बहुत इजी में। तो सारा पिन पे जो है अपने को वोल्टेजस मिल गए सभी के ऊपर अपने को सारा सप्लाई मिल गया। और इसके अंदर जो है हो सकता है इसका आईसी डैमेज, तो एक आईसी इसको चेंज करके देखेंगे। चेंज करने के लिए मेरे पास और एक दूसरा बोर्ड है, तो दूसरा बोर्ड में से मैं आईसी को पहले रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ देखेंगे ये वाला जो है बोर्ड देखेंगे, इसमें से आईसी को रिमूव कर लेंगे। इसके ऊपर लगा लेंगे और इसको हल्का सा रिवॉल्विंग कर लेंगे। जैसा यहाँ जो दिख रहा है अपने को, यहाँ अपने को जहाँ जहाँ वोल्टेजस आना है, कहाँ कहाँ वोल्टेजस इनपुट आईसी का जो है सारा इनपुट के ऊपर अपने को वोल्टेज आना है। तो यहाँ देखेंगे अपन यहाँ जो वी एस की कनेक्शन जहाँ जहाँ भी जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे इसका F3 पे जा रहा है, F4 पे जा रहा है और B1 पे जा रहा है, D4 पे जा रहा है। ये चारों के ऊपर अपने को मिल जाएगा जो 4 वोल्ट का सप्लाई जो मिल जाएगा इन चारों के ऊपर। चेक करेंगे F3 और F4। देखेंगे F3 और F4 के ऊपर, यहाँ देखेंगे F3 के ऊपर अपने वोल्टेज मिल रहा है 3.85 और F4 के ऊपर देखेंगे यहाँ भी मिल रहा है अपने को 3.85। और उसके बाद देखेंगे B1 के ऊपर, देखेंगे यहाँ B1 के ऊपर भी मिल रहा है अपने को 4 वोल्ट का सप्लाई, यहाँ भी मिल रहा है और मिलना है अपने को D4 के ऊपर। तो D4 के ऊपर भी चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ भी अपने को मिल रहा है ये 3.90। तो सारा जो है ये इसका कनेक्शन VPH का कनेक्शन तो अपने को मिल रहा है। उसके बाद C2 और C3 पे मिलना है अपने को 1.8 की वोल्टेज। तो यहाँ चेक करेंगे C2 और C3 के ऊपर, यहाँ देखेंगे ABC C2 वाला ये पॉइंट है, C2 पे मिल रहा है अपने को 1.8 और C3 पे देखेंगे यहाँ भी मिल रहा है अपने को क्लॉक डाटा का सप्लाई, यहाँ भी मिल रहा है, ये वाला लाइन भी अपने को ओके है।
और D2 के ऊपर देखेंगे, D2 वाला पिन पे मिलना है अपने को PWM की जो है वोल्टेज 0.80 से लेके 1.8 तक का वोल्टेज मिलता है अपने को। और D2 के ऊपर देखेंगे ABCD, D2 के ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ मिल रहा है अपने को 0.80 वोल्टेज, ये भी लाइन अपने को ओके। उसके बाद देखेंगे D3 के ऊपर जो मिल रहा है अपने को LCD एनेबल, तो एनेबल का वोल्टेज चेक कर लेंगे D3 के ऊपर, यहाँ 1, 2, 3, 4 और इसके अंदर D3 वाला पॉइंट ये है। तो यहाँ अपने को एनेबल के ऊपर तो अभी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ताकि फ़ोन जो है ये स्लीप मोड में गया होगा, इसको फिर से निकाल के लगा के चेक करेंगे। चार्जर को हटा दे रहा हूँ मैं, अभी D3 के ऊपर चेक करेंगे। यहाँ देखेंगे 1.8 की वोल्टेज, यहाँ D3 पे भी अपने को हार्डवेयर एनेबल का, यहाँ भी अपने को वोल्टेज मिल रहा है 1.8। तो सारा IC को जितना भी इनपुट मिलना है सारा इनपुट मिल रहा है। तो ये IC से जो है अपने को यहाँ B2 और B3 का कनेक्शन जो है, B2 और B3 का कनेक्शन के अंदर जो है, यहाँ B2 और B3 के कनेक्शन के अंदर अपने को इसके अंदर LC दिया हुआ है, ये वाला इस चीज़ इसके अंदर यूज़ करा हुआ नहीं है। LCM एनेबल के लिए जो लाइन है यहाँ यूज़ करा हुआ है, बाकी का लाइन देखेंगे तो बाकी का सारा लाइन जो है ये जो बैकलाइट आउट वाला कनेक्शन है ये, तो F2 वाला कनेक्शन यहाँ भी अपने को, यहाँ इस कनेक्शन पे भी यहाँ भी अपने को 4 वोल्ट का सप्लाई मिल जाता। और ये LCD एनेबल का लाइन है ये, इसके ऊपर अपने को किसी के ऊपर भी अपने को वोल्टेज नहीं मिला, जब IC बैठेगा उसके बाद ही अपने को ये सारा लाइन पे अपने को आउटपुट वोल्टेज वो देखने को मिलेगा। और ये C+C- वाला जो है A4 और A2 के ऊपर का कैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी नहीं है तो आपको ग्राफिक भी नहीं बनेगा। तो अभी सारा लाइन तो चेक कर लिए, सारा IC का इनपुट सारा ओके है, और उसके बाद जो है अपने को फिर भी अपने को वर्क नहीं कर रहा, तो IC यहाँ चेंज करके देखेंगे, दूसरा IC जो है इसको लगा के चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे और IC को, दूसरा IC को फिक्स करके देखेंगे। कोई भी IC का आपको आउटपुट सही है, सारा लाइन ओके, GR ओके, उसके बाद आपको जो है अगर किधर से भी प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, तो IC का सारा डाटा जो है इनपुट लाइन सभी चीज़ चेक करके ही रिपेयर करना पड़ता। ये वीडियो अच्छा से आप देख लिए तो आपको सारा फ़ोन का जो है लाइटिंग बनाना है या ग्राफिक बनाना है बहुत ही इजी से हो जाएगा आपको। IC को फिक्स करेंगे, फोल्डर में लगा के चेक करेंगे। चार्जर को कनेक्ट कर दिया हमें, तो यहाँ देखेंगे अपने को जो एनोड की लाइन के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। पहले जो 9 वोल्टेज बन रहा था, अभी देखेंगे यहाँ 22 वोल्टेज बन रहा है, यहाँ वोल्टेज जो है अभी बढ़ गया, मतलब जो है अपना डिस्प्ले प्रॉपरली यहाँ आ गया, दिख रहा है ये लाइटिंग भी इसके अंदर आ गया इधर, अभी फ़ोन पूरा ओके हो गया।